हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल बलजीत। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम वजीरेक्स की न्यू पॉलिसी के बारे में। जी हाँ, वजीरेक्स ने अपनी एक न्यू पॉलिसी जारी की है जिसके तहत आपको कुछ फ़ायदे होंगे और उसके जो रूल्स हैं, यानी कि जो कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए जानना। तो बढ़ेगा हमारे साथ अंत तक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। दोस्तों, वजीरेक्स जो कि क्रिप्टो करेंसी के लिए इंडिया का सबसे नंबर वन ट्रेडिंग एप्लीकेशन है। जी हाँ, अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की तो आप भली भांति जानते हैं BTC, चाहे वो बिटकॉइन के बारे में हो या और भी ऐसी क्रिप्टो करेंसी हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनसे आप ट्रेडिंग करके मुनाफा कमाते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि आप अपना मार्केट को बढ़ाते हैं। दोस्तों, वजीरेक्स जो कि एक हर बार नई पॉलिसी जारी करता है, लेकिन इस बार जो उन्होंने पॉलिसी जारी की है, इससे जो इसमें पहले से इंगेज कस्टमर हैं इनको प्रॉफिट होने वाला है, और जो भी नए कस्टमर इंगेज होंगे उनको भी प्रॉफिट होगा। दोस्तों, ये पॉलिसी है, अगर हम बात करें डिपॉजिट को लेकर के, डिपॉजिट में पहले P2P था, और वहीं अगर हम बात करें तो इसमें क्रिप्टो विड्रॉल भी था, लेकिन P2P और क्रिप्टो विड्रॉल की मदद से आप जब डिपॉजिट करते थे तो उसमें आपको कई सारे चार्जेस भी फेस करने पड़ते थे, जैसे कि USDT को बाई करते थे, उसको सेल करते थे, ओके। लेकिन अब वजीरेक्स एक नई पॉलिसी लेके आया है जिससे आप एक नई तरीके की डिपॉजिट कर सकेंगे। तो आइए आज हम उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करते हैं 1-to-1। तो बनेगा हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि वजीरेक्स की तरफ से एक मेल जो कि रिसीव हुआ है, या इसने लिखा है कि वी आर डिलाइटेड टू शेयर दैट द हाईली एंटिसिपेटेड इंस्टेंट बैंक ट्रांसफ़र, जी हाँ, इंस्टेंट बैंक ट्रांसफ़र फीचर इज नाउ ऑफिशियली लाइव ऑन आवर प्लेटफॉर्म। इसका मतलब समझ सकते हैं कि इंस्टेंट बैंक ट्रांसफ़र की जो फीचर्स है उसने लाइव किया है। दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें तो डायरेक्ट डिपॉजिट वाया NEFT और RTGS, यानी कि जैसा कि बैंक में अगर आप देखते होंगे कि RTGS और NEFT के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसी प्रकार वजीरेक्स भी अब NEFT और RTGS की हेल्प से बैंक में वजीरेक्स के अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें जो टाइम में होगा वो जितना NEFT और RTGS मोड पे लगता है उतना ही टाइम लगेगा। खास ही इस ये मेथड बिल्कुल फ्री रहेगा, यानी कि इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ना ही इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन की लिमिट होगी, यानी नो ट्रांजेक्शन लिमिट ऑन डिपॉजिट, जैसे कि आप देख सकते हैं, ओके। वहीं अगर हम बात करेंगे कि इसके स्विफ्ट प्रोसेसिंग टाइम की, तो ये स्विफ्ट प्रोसेसिंग टाइम यानी कह सकते हैं कि NEFT और RTGS में जो स्टैंडर्ड टाइम लगता है वही लगेगा। नो ट्रांजेक्शन ID रिक्वायर्ड, यानी कि कह सकते हैं कि से गुड बाय टू से हैसल ऑफ सबमिटिंग या ट्रांजेक्शन ID सेपरेटली, यानी कि किसी प्रकार की कोई भी ट्रांजेक्शन ID की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी, ओके फ्रेंड्स। खासी साथ ही हम आपको बता दें कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि आप INR में डिपॉजिट कर सकते हैं अपने इंस्टेंट बैंक ट्रांसफ़र करके, ठीक है, बैंक के थ्रू, जो भी इसमें रजिस्टर्ड बैंक आपके जो वजीरेक्स अकाउंट से रजिस्टर्ड बैंक होगा उसके थ्रू आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ओके। इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट्स जो रूल हैं इसके, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। इसमें लिखा है कि प्लीज़ नोट दैट वंस यू डिपॉजिट वाया दिस मेथड, यानी कि अगर आप इंस्टेंट बैंक ट्रांसफ़र मेथड का यूज करते हैं, ठीक है, तो योर क्रिप्टो विड्रॉल्स एंड P2P सर्विस विल बी डिसेबल्ड, यानी कि अगर आप इंस्टेंट बैंक ट्रांसफ़र को अप्लाई करते हैं अपने डिपोजिशन में, यानी कि आप उसमें अकाउंट में पैसे डालने के लिए अगर आप इंस्टेंट बैंक ट्रांसफ़र मेथड का यूज करते हैं, तो आपकी जो क्रिप्टो विड्रॉल्स और P2P जो मेथड है वो आपकी सर्विस जो है आपके अकाउंट से डिसेबल्ड हो जाएगी, ओके, बंद हो जाएगी। इंश्योर दैट यू नॉट शेयर योर वैन अकाउंट डिटेल्स विद एनीवन एल्स, समझ सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की आप कोई भी वैन अकाउंट की डिटेल्स है वो अपने किसी भी से भी उसको शेयर नहीं कर सकते हैं। ओनली NEFT और RTGS मोड्स आर सपोर्टेड, डू नॉट डिपॉजिट वाया एनी अदर मोड्स, यानी कि अगर आप एक बार इससे कर लेते हैं इस मेथड से, तो आपके इस मेथड के अलावा कोई दूसरा मेथड जो है वो शो नहीं होगा, यानी कि कह सकते हैं उसमें सपोर्ट नहीं करेगा, ओके।
तो ये आपका जो पैसा है वो वेरीफाइड जो बैंक अकाउंट है उससे ट्रांसफ़र होगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, वहीं अगर हम बात करें कि योर फंड्स विल बी क्रेडिट टू योर वजीरेक्स अकाउंट एज सून एज योर बैंक प्रोसेसेस द ट्रांजेक्शन। ओके, यानी कि अगर आप इस पर विड्रॉल करते हैं पैसा तो वो आपके बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगा जो कि वजीरेक्स से रिलेटेड है। वहीं अगर हम बात करें कि डिपॉजिट्स फ्रॉम थर्ड पार्टी या अनवेरीफाइड अकाउंट आर स्ट्रिक्टली नॉट सपोर्टेड, यानी कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू या अनवेरीफाइड अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। मतलब कहने का ये है कि ये जो रूल है, ये जो P2P या क्रिप्टो विड्रॉल नहीं करते हैं उनके लिए ये रूल सही है, और जो ये जो रूल है क्रिप्टो विड्रॉल P2P का उपयोग करते हैं उनके लिए ये रूल गलत है। ठीक है, साथ ही आप किसी थर्ड पार्टी या अनवेरीफाइड अकाउंट से आप इस पे पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ वजीरेक्स पे जो आपका वेरीफाइड अकाउंट है उसी से आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं और उसी में आपको पैसे क्रेडिट भी होंगे। तो ये चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। यानी कि वजीरेक्स ने नई अपनी एक गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत आपको फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।